अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेजिटेबल एग बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको थोड़े से अलग मसाले तैयार किया है मैंने और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 200 ग्राम घी लिया है और 100 ग्राम ऑनियन स्लाइस है, बारीक बारीक मैंने काट लिया था। ऑनियन को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला है। इसको फ्राई करेंगे और कुछ हरे गरम मसाले जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, और इसको भी शामिल करने के बाद प्याज अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे हल्दी डाली है मैंने 1 टी स्पून। इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि इसमें लाल मिर्च नहीं जाती, ना धनिया जाएगी, ना कोई गर्म मसाला जाएगा। बस इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और ताकि मसाले जल ना जाए, चम्मच आपने मुस्तकिल चलाते रहना है। सॉल्ट टू टेस्ट डाली है यहाँ पर, और यहाँ हरी मिर्च है 100 ग्राम, क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ मैंने हरी मिर्च डाली है, छोटी वाली है ये। और इसमें मैंने 20 से 30 कड़ी पत्ते डाला है। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप अगर चावल कोई भी रेसिपी बना रहे हैं। और यहाँ मैंने टमाटर लिया है 1 पाव, मैंने 250 ग्राम। इसको भी मसाले के साथ इसको रोस्ट करेंगे, हमें भुनेंगे। और 2 चिकन क्यूब्स हैं, अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चिकन क्यूब्स हैं जो मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, या फिर आप कितनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी सी। अब हम चावल को कुक करेंगे 80%। पानी बॉयल होने के बाद मैंने 1/2 टी स्पून काला जीरा डाला है, 1 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर है, थोड़ा सा पुदीना डाला है इसमें, और नमक मैंने पहले डाल दिया था 4 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह चला लेंगे और 80% तक इसको कुक करेंगे। हो गया, इसको अब निकाल लेंगे। ये देखिए मसाला जो है इसमें से ऑयल अलग हो गया है। अब हम यहाँ पे 250 ग्राम हार्ड बॉयल आलू डाला है मैंने, 3 अंडे हैं और 200 ग्राम बॉयल मटर है। इन सब को मसाले के साथ फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम लो। एक बार याद रखिएगा, आपने आलू को मुकम्मल तौर पे नहीं इसको बॉयल करना है, वरना ये टूट जाएंगे मसाले के साथ। तो इसको हार्ड बॉयल कीजिएगा एग को, और आलू को भी 80% आपने बॉयल करना है बस। अभी देखें एग को मैंने निकाल दिया है, वरना टूट जाएंगे ये। अब लेयर करेंगे बिरयानी को। थोड़ा सा मैंने घी स्प्रेड किया है पतीली में, और हाफ राइस जो है इसमें मैं डालूंगी। अच्छा, राइस को बताना भूल गई थी, 500 ग्राम है ये बासमती राइस। और जो मसाला तैयार किया है हमने बिरयानी का, वो उसके ऊपर फैला देंगे। अब थोड़ा सा पुदीना, धनिया और लेमन जूस है 1 टेबल स्पून है। 6 से 8 मैंने करी लीव डाली है, कड़ी पत्ता। इसमें कड़ी लीव लगा जाएगी। और अब हम दूसरा तह लगाएंगे और कवर कर देंगे नीचे की पूरी सब्जी वगैरह जो हमने मसाला तैयार किया था, और स्प्रिंकल करेंगे इसको दोबारा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और लेमन जूस से। और यहाँ मैंने ऑयल निकाल लिया था सालन का, थोड़ा सा वो स्प्रेड करेंगे, इससे चावलों में शाइन आती है। अब 2 टेबल स्पून मिल्क में मैंने फूड कलर डाला था, येलो फूड कलर। इसको अब चावल को डिजल कर देंगे, और थोड़ा सा मैं बिरयानी एसेंस भी डालूंगी इसमें, ये ऑप्शनल है। अब तवा गर्म करने के बाद इसको दम देंगे, और मैंने अंडे वापस रख रही हूँ। और इसको 5 मिनट आपने तेज़ आंच पर करना है, 10 मिनट आपने स्लो पे दम देना है चावल को। देखिए हो गया माशाल्लाह से, और इसको बस अंडा मैं निकाल लूँगी। दम देने के आपने 10 मिनट बाद आपने हमेशा चावल को ऊपर से नीचे करना है, वरना टूट जाएंगे फौरी तौर पे। अब एहतियात के साथ आपने ऊपर से नीचे इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही इसका यूनिक जायका होता है, आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। माशाल्लाह से इसके दाने तो अलग अलग हैं। तैयार हो चुकी है ये वेजिटेबल एग बिरयानी। इसको अब सर एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। इसको रायते के साथ और सलाद के साथ पेश करें, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, फैमिली को खिलाएं। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।